So let's take an example and uh, run the uh, repeated Mayer <clears throat> t test uh, in SPSS. Here is an example. A uh, researcher wants to examine the effect of our treatment on depression by measuring a group of eight people, uh, eight participants before and after they receive a treatment. Is there a significant effect of the treatment? Test the hypothesis at alpha 0.05 level. Uh, so I'll show you the tutorial first. जैसा हमने पहले इंडिपेंडेंस हम्पर टीचर्स के लिए किया एंड देन आल गो टू एस पी एस एस एंड रन फॉर यू सो ट्यूटोरियल के अंदर सबसे पहले बिल्कुल ये डेटा है जो कि आपका बिफोर एंड आफ्टर दिया हुआ है सो देर आर एट पार्टिसिपेंट्स उनका पहले आपका प्री और पोस्ट टेस्टिंग दी हुई है आप बिफोर ट्रीटमेंट उनका स्कोर क्या था एंड आफ्टर ट्रीटमेंट उनका डिप्रेशन के ऊपर स्कोर क्या था सो वी नीड टू सेट्स ऑफ वेरिएबल्स अब पहले जैसा हमने एक ही कॉलम के अंदर uh, टेस्ट स्कोर्स ऐड कर लिए थे राइट right? हमने सॉकर और स्विमर प्लेयर्स के टेस्ट के ऊपर एक ही कॉलम ऐड किए थे बट फॉर फोर में मेयर टी टेस्ट हमने क्या करना है कि हमने बिफोर का कॉलम अलग रखना है और आफ्टर का कॉलम अलग रखना है सो so, आपका वन कैटेगोरिकल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा सेम जैसा कि इंडिपेंडेंट सैम्पल में उसमें ग्रुप वन और ग्रुप टू था लेकिन अब हमारा टाइम वन टाइम टू टेस्टिंग होगा वन कंटिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा होगा बिल्कुल उसी तरह से इसमें हमारा डिप्रेशन के ऊपर स्कोर्स है दोनों ग्रुप ग्रुप टाइम वा, वन के ऊपर भी और टाइम टू के ऊपर भी एस पी एस एस के अंदर बिल्कुल ऐसे ही आप देखें कि जैसा ये वेरिएबल व्यू है और इसके अंदर आपका पहला कॉलम पार्टिसिपेंट आई डी है दूसरा कॉलम आपका बिफोर है ट्रीटमेंट और तीसरा कॉलम आपका आफ्टर ट्रीटमेंट है सो so, अब हमने दो डिफरेंट कॉलम्स यूज़ करने हैं और दोनों में अलग अलग बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट उनका डिप्रेशन पे स्कोर क्या आया है uh, जब हम एंटर डेटा कर लेंगे दोनों का अलग अलग तो इस तरह से हमारी एस पी एस एस की डेटा फाइल विल लुक लाइक दिस कंटेनिंग वन वेरिएबल बिफोर ट्रीटमेंट वन वेरिएबल आफ्टर ट्रीटमेंट इन थर्ड इज़ द पार्टिसिपेंट्स आई डी और सिमिलरली जैसा हमने पहले किया है यू विल गो टू एनालाइज यू विल गो टू कंपेयर मीन्स एंड देन यू विल गो टू पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट रिपीटेड मेयर भी कहते हैं पेयर्ड सैंपल भी कहते हैं मैथ्ड सैंपल टी टेस्ट भी कहते हैं सो यू विलेक्ट पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट ऑन द टॉप मेन्यू। वंस यू सिलेक्ट दैट आपके सामने जो विंडो पॉपअप होगा दैट विल बी लाइक दिस सो आप अपना बिफोर एंड आफ्टर दोनों सेंड करेंगे एज अ वेरिएबल वन एंड वेरिएबल टू सो वेरिएबल वन वुड बी प्री टेस्टिंग और बिफोर ट्रीटमेंट एंड वेरिएबल टू विल भी आफ्टर ट्रीटमेंट um, या पोस्ट टेस्टिंग होगा उसके बाद आप अगर ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो सिमिलरली वही बाय डिफ़ॉल्ट 95 फाइव परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल आएगा वही मिसिंग वैल्यूज़ का जो हमने अभी बात की है कि हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहने देते हैं क्योंकि हमारा एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल है सो वे नॉट केयरिंग मच अबाउट द मिसिंग वैल्यूज़ और हमारे डेटा में हैं भी नहीं सो वन डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वी डोंट रियली नीड टू सी सो ये बिल्कुल वही है दैन वील क्लिक कंटिन्यू एंड देन वी विल हिट ओके बटन और उसके बाद आपके पास आउटपुट आएगी